दोस्तों, अगर आप टीवी में मूवीज देखते हैं तो आपने एक चीज तो जरूर नोटिस करी होगी कि किसी चैनल पर एक ही मूवी को बार बार दिखाया जा रहा हो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी मूवीज के बारे में जो टीवी चैनल्स पर सबसे ज्यादा बार दिखाई जाती है। नंबर 3, 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन, म्यूजिकल रोमांस पर बनी एक ऐसी मूवी है जिसको आप बिना बोर हुए देख सकते हैं। आपको बता दूं, ये 90s की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी जो अब जी सिनेमा पर हफ्ते में 3 बार तो आ ही जाती है, स्पेशली वीकेंड्स पर। नंबर 2, 1999 में रिलीज हुई सूर्यवंशम। दोस्तों, सच बताऊं तो एक टाइम को मुझे लगा कि सोनीमैक्स को अपने चैनल पर दिखाने के लिए सिर्फ एक ही मूवी बची है और वो अमिताभ बच्चन स्टारर सूर्यवंशम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोनीमैक्स ने इस फिल्म के राइट 100 साल के लिए खरीद रखे हैं। नंबर 1, 2001 में रिलीज हुई नायक मूवी। इस मूवी के बारे में एक जोक है कि नायक सेटमैक्स पर नहीं, सेटमैक्स नायक पर आता है। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि ये मूवी हर दिन टीवी पर टेलीकास्ट की गई, लेकिन अब इसकी जगह सूर्यवंशम ने ले ली है। तो हम एंग्री सीएम शिवाजी शिंदे को अपने पीए के साथ सेट पर मार्च करते हुए देखना भूल गए हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा टीवी पर आने वाली मूवी कौन सी है?